और हमको अब लग रहा है कि जितना अगुआ लोग था यूपी भाई लोग ये लोग भी नहीं सकेगा। ये लोग का बात को नहीं मान रहा होगा, ना सुन रहा होगा, ना फोनों उठा रहा होगा। हम लोगों को रैली का आयोजन करना है और बीच में ड्राफ्टिंग करके फिर बीजेपी को या सरकार को या विधानसभा में या मुख्यमंत्री को सबको अवगत करा देना है। एजेंसी सीबीआई ही खोल सकता है और सीबीआई को वो जांच कैसे आएगा, हाई कोर्ट के द्वारा भी चाहे कोनो करके आप तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आप तो फाइट करके आपको लेना ही पड़ेगा पैसा। आज उसको बुलाए थे और ये बात कहने के लिए भी नहीं आने का खास सिद्ध होता है कि सब कुछ सबको लगता है सब फ्रॉड। नमस्कार, स्वागत है आपका जीएन भारत में। मैं हूँ राखी रक्षा। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक चमरा लिंडा जी। यहाँ पे हजारों की संख्या में ग्रामीण आए हुए हैं, तो आइए जानते हैं कि मुद्दा क्या है और किस बात पर इतनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। सर, यहाँ पे ये जो ग्रामीण आए हुए हैं ये किस लिए आए हुए हैं सर? ये चीट फंड वाला मामला है और जिसका केंद्र बेड़ो में था। सारे लोग ठगे गए हैं पैसा और पैसा सब जमा किए हैं। इनकी पैसा मैच्योरिटी हो गई है फिर भी 5 सालों से नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पिछले कई बार से मीटिंग रख रहे हैं कि जो लोग जमा लिए हैं पैसा, दिल्ली का है, बम्बई के हैं, कलकत्ता के हैं, वे लोग आइए और हम लोगों का ये गरीब के पैसा को आप प्रदान करिए। तो उसमें 28 तारीख आज का ही तारीख डेट दिया गया था उनके द्वारा कि हम लोग आ करके बताएंगे कि जो कलेक्शन ले लेते हैं हम लोग चिटफंड का वो कहाँ रखते हैं और कहाँ कब कब हम लोग पैसा आप लोगों को प्रदान करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग में वे लोगों का उपस्थित नहीं होना इस बात को साबित करता है कि सारा फ्रॉड है। वे लोग यहाँ के लोगों को जाल बिछा करके पैसा कलेक्शन करवाया है पूरा छोटा नागपुर के आदिवासी मूलवासियों से और उसके बाद पैसा शायद हमको लगता है कि ये लोग चिट फंड के द्वारा, जो खुद अपने आप में इलीगल है, चिट फंड का स्थापना ही इलीगल है, उसके द्वारा वो लोग हमको लगता है इंग्लैंड अमेरिका सब ले गया है पैसे को। और इसलिए आज का मीटिंग में ये तय हुआ कि अब चूंकि वे लोग नहीं आए और इसलिए अब ये मामला को सीबीआई या भारत देश का जो एजेंसी है या तो एसपी के द्वारा या तो कोर्ट में ले जाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए तय किया गया कि अब हम लोग 8 तारीख को एक सारा रैली मोराबादी मैदान में किया जाएगा और उसी मोराबादी मैदान में पूरा इंडिया का प्रेस के माध्यम से ओपन किया जाएगा और जितना एजेंसी है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, सभी लोगों को ये दिया जाएगा, बताया जाएगा कि इतने लाखों लाख रुपये, करोड़ों रुपया का गबन हुआ है और ले करके सब कोई भाग गए हैं, तो उन लोगों को खोजा जाए, ढूंढा जाए और इनका पैसा को वापस कराया जाए और ये भी जांच किया जाए कि वाकई ये जो कंपनी है ये कंपनी फैक्ट है कि नहीं, सही है कि नहीं है और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, इसका मालिक कौन है और रजिस्ट्रेशन अपने आप में कानूनन है कि नहीं, ये चीट फंड सही है कि नहीं। 8 तारीख को सारे जनता का यही डिमांड रहा कि 8 तारीख को हम लोग विशाल रैली करके ये डिमांड करेंगे कि आप उनको खोजबीन करिए और इंक्वायरी करिए और इंक्वायरी करके हमारा जितना भी पैसा जमा है उसको डिमांड कराइए। हमें लगता है कि ये फॉरेन कंट्री में भी ये हवाला के माध्यम से पैसा चला गया है, इसलिए ये लोग आज नहीं आए। अगर वो सही रहते तो आज जरूर आते और इतना आम पब्लिक के सामने बोलते कि 1 महीना में देंगे, आधा महीना में देंगे, हफ्ता में देंगे, जब भी देंगे। लेकिन उनके कोई व्यक्ति नहीं आए, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए, खुद जो पैसा जमा करने वाले थे वे लोग भी नहीं आए। इसका मतलब हम लोग समझ लिए कि ये फ्रॉड कंपनी के हाथ में सारे लोगों का पैसा चला गया है और डूब गया है। इसलिए आप रैली के माध्यम से हम लोग एजेंसी को अवगत कराना चाहते हैं, सीबीआई को अवगत कराना चाहते हैं, सारे पब्लिक लोग, कि अब हमारा केस टेकअप किया जाए और उन लोगों को अधिग्रहित करके उन लोगों का प्रॉपर्टी जहां पर है उसको वापस लेकर के जिस तरह से और जगह, जिस तरह से पियरलेस में किया गया, जिस तरह से सहारा में किया गया, उन लोगों को अरेस्ट करके और पैसा को जो उनका प्रॉपर्टी है उसको बेच करके वापस किया गया, उसी तरह से उनकी जो मेन मालिक है उनको खोजा जाए और उनका प्रॉपर्टी को वापस लेकर के आम जनता को, पब्लिक के बीच में जितना मैच्योरिटी है, दिया जाए वापस। सर, जैसे कि मतलब ग्रामीण काफी दिन से यहाँ पे आ रहे हैं सर, पिछला मीटिंग जो हुआ था उसमें जो भी कोलकाता की कंपनी थी उनके मैनेजर या किसी से बात हुई जिसमें आपने साफ तौर पे कहा कि आपको यहाँ पे आके बात करना चाहिए, सर उसके बाद भी वहाँ पे वो लोग यहाँ पे नहीं आए। और सबसे पहले जब फ्रॉड किया गया तो कहा गया कि सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी के नाम पे फ्रॉड भी किया जाता है सर, उसके बाद अगर विधायक आवास से कॉल जाता है कि आप आइए बात करिए तो भी नहीं आते, तो सर ये साफ तौर पे ये नहीं झलक रहा है कि सरकार का डर नहीं है उनके अंदर? ये निश्चित है, अगर वो सच्चाई में होते ना तो आते जरूर, सच्चाई में नहीं है।
वो गलत में है, गलत कंपनी खोले हुए थे होंगे और गलत तरीके से गुमराह करके सीधा साधा यहाँ के छोटा नागपुर के जनता को सोचा होगा कि पैसा कलेक्शन करके हम लोग ले जाएंगे, ऐसा सियोर हुआ होगा। और अदरवाइज वो जरूर मेरे पास आते और बताते कि हम सही हैं नहीं हैं। 28 तारीख को उन लोगों ने खुद टाइम दिया था कि 28 तारीख को हम लोग आएंगे और उसके बाद भी नहीं आया। हम लोग यही बात बोले थे कि 28 तारीख को आकर के आप जनता के सामने ही बात करिए और कब दीजिएगा उसको बताइए और अगर देना हो तो यहीं पर दे दीजिए, ये भी बात हुआ था। लेकिन वो नहीं आया, इसका मतलब साफ है कि ये गलत है। इसलिए हम लोगों ने रैली के माध्यम से सरकार को या अन्य एजेंसी को अवगत कराने के लिए सभी लोगों ने हाथ उठा करके ये तय किया कि हम लोग इसी कदम को आगे बढ़ाएंगे करके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामीणों की भीड़ है, ये भीड़ विधायक चमरा लिंडा के यहाँ मौजूद है। मामला वही चीट फंड का है। बीते 20 जनवरी को सबसे पहले ग्रामीण विधायक जी के आवास में इकट्ठा हुए थे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि कोलकाता की कोई कंपनी है जिन्होंने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जा जाके लोगों से पैसा लिया, कहा कि आपकी मैच्योरिटी डेट आने पर फिर आपको दुगुना पैसा मिला जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होने के बाद सालों बीत गए, उनको पैसा नहीं मिला। थक हार के ग्रामीण विधायक के पास पहुंचे, जहां पे विधायक जी ने आश्वासन दिया कि कंपनी से बात किया जाएगा। उसके बाद अगली मीटिंग में कंपनी के मैनेजर, वहां के असिस्टेंट से बात किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप आइए, ग्रामीणों को आश्वासन दीजिए, उनका पैसा वापस कीजिए। आज उसी डेट के अकॉर्डिंग आज वहां कंपनी के मैनेजर या कंपनी के कोई रिप्रेजेंटेटिव को यहां आना था, लेकिन कंपनी से कोई भी यहां नहीं आया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ग्रामीणों की क्या राय है, कि अब उन्हें क्या लगता है कि उनका पैसा उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे की क्या रणनीति है इस चीट फंड के पैसे को लेके। सबसे पहले सर नाम बताइए। मेरा जीवियर वकला नाम। कितना पैसा लगाया था आपने? 40 लाख। 40 लाख लगाया था, तो क्या कहा था कंपनी ने, कब तक वापस करेगी, कब तक आपका कितना पैसा आपको दिया जाएगा? 5 साल के लिए, मतलब शुरू में तो 6-6 साल बोल के किए थे, उसके बाद 6 साल पूरा होने के बाद मैच्योरिटी डेट पूरा हो गया तो भी नहीं मिल रहा। तो जिनको आपने जमा किया था उनसे बात करने की कोशिश की? बात करने के लिए कोशिश की, बात भी की मैडम, फिर वो बोलते हैं कि अब इनको तो मतलब स्पीड पोस्ट में जमा करने के लिए बोल रहे हैं कि भेज दीजिए। तो स्पीड पोस्ट में भेजेंगे कहाँ पर, इसका कोई पता नहीं चल रहा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था लेकिन कंपनी की ओर से कोई नहीं आया। तो अब आपको क्या लगता है, आपके पैसे आपको मिलेंगे, सरकार की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? सरकार की तरफ से हम लोग एक बार रैली करेंगे मैडम, उसके बाद ही कागज को आगे बढ़ाया जाएगा। रैली करेंगे तो रैली में कितने लोगों के आने की संभावना, आप लोग कितने लोग आएंगे, कितने लोगों का विरोध प्रदर्शन रैली में जुटने की संभावना है? रैली में कम से कम 5,000 तक पहुंच जाएंगे। तो आपको लगता है कि जब जनता सड़क पर उतरेगी, इतने बड़े स्तर पर जब विरोध किया जाएगा तो कंपनी सुनेगी, कंपनी पे शिकंजा कसा जा सकेगा? ये जो चीट फंड का मामला है उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर इन्वेस्ट किया था, तो आइए जानते कि उनकी स्थिति क्या है। अपना नाम बताइए। मोर सुभद्रा देवी है। कितना पैसा लगाया था? हमारे 50,000 फिक्स कर रही। 50,000 7 साल का? 7 साल। तो आपका वो जो साल का जो टेन्योर था वो कंप्लीट हो गया है? हाँ, कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने जनते मन पैसा के निकला ले लें, हमें कह लें कि नहीं ऑफिस बंद है, फलना दिन खुली चिलना दिन खुली कह के हमें ठक लें। हर एखन ले पैसा के एजेंट मन निकला के खाए दे रहे, हर एखन ले कहाँ अथी हो है, आप हमें हियाँ चर्चा करो तो हियाँ तो नहीं मिली हमें के, एजेंट नहीं दे हमें के पैसा, एजेंट उठा है तो एजेंट नहीं दे। तो एजेंट जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ तो कंपनी से भी बात किया जा रहा है, कंपनी को बोला गया, मतलब विधायक की तरफ से कॉल गया कि आप आइए बात कीजिए, तब भी तो कंपनी बात करने नहीं आ रही है, तो आपको लगता है कि आपका पैसा मिलेगा वापस? आपका मिली कि नहीं मिली, आप एजेंट के धर ले नहीं मिली कि नहीं मिली, वो तो पता है। विधायक जी ने आप लोग कहा कि आप लोग 8 तारीख को रैली निकालने का है, तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर आएंगी इस रैली में? अच्छा, आएंगी। हाँ। और जैसा कि मतलब जब महिलाएं कोई आगे बढ़ती कि किसी चीज में, जैसे आप लोग ने अपने घर से पैसा दिया होगा तो अपने रिस्क पे दिया होगा, घर में इसका तो प्रभाव पड़ ही रहा होगा कि जमा किया है नहीं किया है, तो घर का क्या स्थिति है? का स्थिति नहीं रही, अखन मोर छुआ मन दू दुठ बाहर पढ़ रखे, एक ठो बी ए ट्रेनिंग तो अथी बी ए में अथी कर रखे और एक ठो 8 क्लास में है लाचरा में पढ़ रखे, तो सब कर अथी जरूरत नहीं पड़े ला पैसा केहू हर 1-2 रुपया करके राख रहे तो कोनो काम में आई बाद में यह सब नहीं सोच के राख रहे ला। नाम बताइए सर। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। कंपनी में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके द्वारा एक एड्रेस दिया गया है, जिस एड्रेस में जो है रजिस्ट्रेड पोस्ट के द्वारा ये लेटर भेजा गया था और वो लेटर जो है वापस आ गया है, मतलब बोला जाता है कि इस पते पर भेजिए और वहाँ से जो है पेमेंट होगा,
है ना, लेकिन वहाँ से जो है ये वापस आ गया है और इसमें स्पष्ट इस लिखा हुआ है कि इस पते पर जो है वर्तमान में कोई ऑफिस नहीं है करके, है ना। तो एक तरह से कंपनी के द्वारा जो है झूठ बोला जा रहा है और झूठ बोल के जो है पेपर को भेजने के लिए बोला जा रहा है। हाँ हाँ, ये वापस आया हुआ लेटर है। हाँ पैसा लिया जा रहा है। हाँ, और अभी भी जो है लोगों के द्वारा कुछ लोग कलेक्शन कर रहे हैं, बहुत लोग मतलब काम कर रहे हैं, मतलब फील्ड में अभी भी एजेंट मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, और इनका काम जो है छत्तीसगढ़ मतलब झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब जगह मतलब काम फैला हुआ है, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी जगह से मतलब कार्रवाई हो। इतना दिन जो है कि झूठों के बरगला के आदमी को रखा, आदमी जो है से मन में अपना अति बना कर रखा कि चलिए मेरा पैसा सुरक्षित जगह पर है, और आज जो है कि आज के डेट में कहा गया था कि नहीं से चलिए फील्ड पर फलना जगह पर चलिए आप लोग को पैसा आज मिलेगा, और जो सब नहीं आए हैं उन लोग का जो है कि जो जमा किया है उसका जो है कि जो कार्ड है जो पैसा जमा करने का अथी है बॉन्ड है वो ले कर चलिए, पैसा जो है कि सुरक्षित जगह पर मिलेगा और जो है कि पैसा कुछ नहीं होगा। और जो है से इसी अथी पर आया आदमी लालच पर, अब जो है कि घर पर आदमी जाएगा तो आदमी जो है से आपस में लड़ेगा झगड़ेगा और बहुत कुछ अति करेगा। कुछ महिलाएं जिन्होंने काफी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सोनिया कुमारी। कितना पैसा लगाया था? पैसा लगाया हम 18 लाख लगाए। 18 लाख लगाए, तो कब तक ये कितना डेट के मतलब कितने सालों के लिए फिक्स किया? 13 से लेकर कितना 27 तक में मेरा सब पैसा फाइनल हो जाएगा, लेकिन 18 में पूरा अभी 1 रुपया भी नहीं मिला है, केवल 40-45 हज़ार दिया था उसके बाद नहीं दिया, 1 पैसा भी नहीं मिला है। तो अभी जैसे कि एक भाई साहब ने बताया कि एक स्पीड पोस्ट किया गया था कि वहाँ पे आप लोग भेजिए वहाँ से पैसा आएगा, आप लोग ने भी ऐसा कुछ ट्राई किया कि स्पीड पोस्ट भेजा आप लोग वापस आ गए थे कागज मांगने, लेकिन हम नहीं दिए, हम बोले कि जब हम 18 में दिए कागज और पैसा नहीं मिला है तो फिर अभी हम कहे देंगे और नहीं देंगे, तो लोग बोल रहे हैं कि पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो मेरा नहीं मिलेगा, आप लोग को क्या लग रहा है मेरा जाएगा, बोल के हम नहीं दिए, वैसे ही बोल रहे थे कि झूठ का ये मिलेगा वहाँ से ही है, वो पेपर भी दिखाया हमको। हमने अभी ग्रामीणों से बात की, ये जो चीट फंड के मामले से जुड़े हैं उनसे बात की, यहाँ आने के बाद ग्रामीणों से बात करके एक बात जो सामने आई कि अब उन्हें बहुत कम उम्मीद है कि उनका पैसा मिलेगा, क्योंकि जब कंपनी से बात करके कहा गया कि आप आइए, यहाँ ग्रामीणों से बात की सरकार विधायक की ओर से कॉल जाने के बाद भी कंपनी की तरफ से कोई भी बात करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजा गया, तो इससे साफ तौर पर झलकता है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है ग्रामीणों से, खास करके ग्रामीण इलाकों में फ्रॉड किया गया है, और ऐसे समय में फ्रॉड किया गया जिस समय कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई थी, आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब थी, लोगों ने सोचा कि हमारा पैसा एक जगह सेफ रहेगा क्योंकि सरकारी कंपनी के नाम पर ठगी की गई थी। अब देखना, अब विधायक जी से बात करने के बाद पता चला है कि आने वाले 8 तारीख को एक रैली का भी आयोजन किया गया जहां पे एक जन सैलाब उमड़ेगा, तो अब देखना होगा कि क्या इस जन सैलाब का कंपनी पे कोई दबाव बनता है, सरकारी तंत्र जो है वो आगे क्या स्टेप लेती है इसको लेके, क्योंकि जो ठगी की गई है वो सरकारी कंपनी के नाम पे की गई है, इससे साफ तौर पर अच्छा लगता है कि सरकार का जो डर है कंपनियों के अंदर से चला गया है, कंपनियां सरकार से नहीं डरती, उनका जो काम है वो करती हैं, भोले भाले ग्रामीणों को अपना शिकार बनाती हैं, उनका पैसा लेके विदेश भाग जाती हैं। जीएन भारत से राखी रक्षा, धन्यवाद। और हमको अब लग रहा है कि जितना अगुआ लोग था यूपी भाई लोग ये लोग भी नहीं सकेगा, ये लोग का बात को नहीं मान रहा होगा, ना सुन रहा होगा, ना फोन उठा रहा होगा। हम लोगों को रैली का आयोजन करना है और बीच में ड्राफ्टिंग करके फिर बीजेपी को या सरकार को या विधानसभा में या मुख्यमंत्री को सबको अवगत करा देना है। एजेंसी सीबीआई ही खोज सकता है, और सीबीआई को वो जांच कैसे आएगा, हाई कोर्ट के द्वारा भी चाहे कोनो करके आप तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आप तो फाइट करके आपको लेना ही पड़ेगा पैसा। आज उसको बुलाए थे और ये बात कहने के लिए भी नहीं आने का खास सिद्ध होता है कि सब कुछ सबको लगता है सब फ्रॉड।